शरीर क्रिया विज्ञान का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम अस्थि, डाइजेस्टिव सिस्टम इन सबों पे जो है वो वीडियो आपके लिए ला चुके हैं। आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक से देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी उन्हें देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लंग्स के बारे में और साथ में जो हमारे किडनी हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ब्रेन के बारे में सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इनको हम डिटेल से समझेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि मस्तिष्क का अग्र भाग जो है वह ये है। अग्र भाग जो है वह इस एरिया में है। मध्य मस्तिष्क जो है वह आपको यहाँ पे, और पश्चिम मस्तिष्क पीछे का मस्तिष्क जो है वह इसमें आता है। इसको भी अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वह है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भाग आता है वह है सेड़ी वेलम, जिसको कि प्रमस्तिष्क कहा जाता है। यह पोर्शन होता है, यहाँ का जो पोर्शन होता है वह होता है सेड़ी वेलम यानी कि प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि बुद्धि और चतुराई के लिए होता है। सोचने, समझने, सूंघने, याद करने को, मतलब सबसे अधिक कार्य जो होता है वह प्रमस्तिष्क का होता है, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी का अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, वह होता है थैलेमस। थैलेमस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वह जो है वह इसी, जो कि उसी भाग को कहते हैं थैलेमस। और इसके थैलेमस का कार्य होता है ठंडा या गर्म की पहचान करना, ठंडे की अनुभूति करना और गर्म की अनुभूति करने का कार्य जो होता है वह थैलेमस का होता है। और अग्र मस्तिष्क में एक और आता है इम्पोर्टेंट, वह होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वह अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। इसका कार्य होता है हार्मोन पर नियंत्रण करना। हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य जो है वह हाइपोथैलेमस का होता है। भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण जो है वह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी जो थे तीन सेरिब्रम, जिसे कि प्रमस्तिष्क कहते हैं, इसके बाद थैलेमस और इसके बाद हाइपोथैलेमस, ये जो है वो अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। इसके बाद हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में जो है वह इम्पोर्टेंट है, वह है ये जो पोर्शन है ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। इसका नाम है कोड़ा पोड़ा क्वाड्री मीना। कोड़ा पोड़ा क्वाड्री मीना जो है, ये जो आप व्हाइट भाग जिसे कि मैंने कलर किया है, यह जो है वो मध्य मस्तिष्क का भाग है, जिसको ये कहते हैं कोड़पोड़ा क्वाड्री मीना। इसका कार्य है देखने, सुनने की शक्ति इत्यादि में जो है वह इसका मुख्य कार्य है। यह जो है वह मध्य मस्तिष्क का भाग है, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जो है वह इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि पीछे के भाग के मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क में जो है वह इम्पोर्टेंट है सेरिब्रम और सेरिवेलम, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिवेलम जो होता है वो ऊपर का ये पार्ट होता है सेरिब्रम, और ये होता है सेरिवेलम। सेरिवेलम सेरिवेलम जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है शरीर का संतुलन करना। सेरिवेलम का जो कि पीछे होता है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, जिसका मुख्य कार्य जो है वह शरीर को संतुलन करना है। इसी के ठीक पास में आता है वह होता है मेंडुला ऑब्लिगेटा। मेंडुला ऑब्लिगेटा जो है वह इस भाग को कहते हैं मेंडुला ऑब्लिगेटा। मेंडुला ऑब्लिगेटा का कार्य होता है हार्ट बीट, बीपी, श्वसन का नियंत्रण, इन सबको देखना जो है वह मेंडुला ऑब्लिगेटा का कार्य है। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और मस्तिष्क के सारे फंक्शन को अच्छे से समझा होगा। अब आपको एक बात और बता दें कि मस्तिष्क का जो है वो हमारे फंक्शनल सबसे अधिक जो है वो मस्तिष्क का ही कार्य होता है। अलग अलग इसमें जो है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स मस्तिष्क है। इसमें अलग अलग पार्ट में देखना, सुनना, सूंघना, ये सब जो है वह भाग होता है वह प्रमस्तिष्क, जिसको कि सेरिब्रम कहा जाता है, ये ऊपर वाले भाग को।
आपने इन सबको देखा। एक बात आपको बता दें कि मस्तिष्क का वजन जो है वह है 1400 जो है वह ग्राम जो है वह मस्तिष्क का वजन होता है। अब हम इस पर आधारित जो है वह कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो है वह टॉपिक इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र होते हैं? तो आपको बताना है कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है। तो मस्तिष्क का वह भाग है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग जो है वह हार्मोन पे नियंत्रण करता है, भूख प्यास तापमान पे जो है वह नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे भूख लगने भूख प्यास से और ये मुख्य इसका कार्य है हार्मोन पर नियंत्रण करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो होता है वह कौन सा मस्तिष्क होता है? तो वह होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वह आपको मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि बुद्धि और चतुराई, सोचने समझने बोलने देखने इन सब का जो है वह क्षेत्र होता है वह सेरेब्रम में होता है। आपको ऑप्शन ए जो है वह सेरेबेलम दिख रहा है। तो यह सेरेबेलम जो है वह आपको शरीर संतुलन जो कि आपने अभी जस्ट देखा है कि वह सेरेबेलम होता है। तो सेरेब्रम जिसे कि प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है यह सबसे बड़ा भाग होता है। अगले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। सेरेब्रम किसमें संबंधित है? सेरेब्रम का संबंध किससे है? तो सेरेब्रम का संबंध जो है वह मस्तिष्क के संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यहाँ पे जो है वो इसका हिंदी दे दिया गया है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह है प्रमस्तिष्क जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। प्रमस्तिष्क जो है वह अग्र मस्तिष्क का भाग है जो कि सबसे बड़ा भाग है। इसका यूज बुद्धि चतुराई सोचने समझने देखने, तो अब समझ सकते हैं कि जो बड़ा है उसके कार्य जो है वो सबसे अधिक होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? अर्थात अगर उसमें किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें जो है वह ठीक होना जो है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। तो वह जो है वह है मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं जो है इसका पुनर्योजन शक्ति जो है वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। मस्तिष्क जो है हमारे पूरे बोन से जो है वह काफ़ी जटिलता से कवर किया गया, मतलब उसे कवर किया गया है ताकि मस्तिष्क पे जो है वह किसी भी तरह का कोई जल्द से जल्द उस पर असर ना हो। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तंत्रिका तंत्र कि लघुत्तम संरचनात्मक ए तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक एवं शरीर क्रिया इकाई जो है वह है न्यूरॉन। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है आपको यह बता दें। तो तंत्रिका कोशिका जो है वह हमारे शरीर से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को लेकर जो है वह शरीर के अन्य भागों तक मस्तिष्क तक पहुंचाने का, मतलब शरीर से किसी भाग से लेकर के इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए जो कोशिका कार्य करती है उसी कोशिका को जो है वह तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये जो मैंने अभी बनाया है उसी तरह की तंत्रिका कोशिका होती है और यह जो है वह इसमें झिल्ली लगे हुए होते हैं जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर के शरीर से वे हमारे मस्तिष्क तक जो है वह पहुंचाने का कार्य करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र से 31 जोड़ी जो है वह तंत्रिका निकलती है। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो प्रत्यावर्ती क्रिया जिसको कि रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, जो कि अचानक से हो जाए जिस पे कि नियंत्रण नहीं है, तो इसका नियंत्रण जो है वह कशेरुक यानी कि कशेरुक रज्जु पे होता है।
रज्जु, मेरु रज्जु जो है उस पे जो है वह होता है। जैसे आंख, कोई चीज आता है आंख के पास तो अचानक से जो है आंख को बंद हो जाना, उसमें किसी का नियंत्रण, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन का ही एक भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? तो श्वसन की क्रिया जो है वह संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। मनुष्य के अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है हमारे लंग जो है वह डीऑक्सीनेटेड को जो है वह ऑक्सीनेटेड करने का कार्य करते हैं। आपको इस बता दें कि ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे वायुमंडल में 21% जो है वह है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है वह 0.03% है, और नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है वह सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में है, वह है 78%। नाइट्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज दोनों को अगर मिला दे तो यह होता है 99%। इसके बाद जो है जो भी बाकी वाटर वेपर से, डस्ट, ड्रॉपलेट्स, जो भी गैसेज हैं उसके बाद के परसेंटेज में है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? अर्थात मनुष्य के द्वारा जो सांस इनटेक किया जाता है, लिया जाता है, उसके बाद जो छोड़ा जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना निकलता है? तो जब लिया जाता है तो वो तो आता है 21, लेकिन जब छोड़ा जाता है तो वह केवल 16% जो है वह वापस जाता है। क्यों 16%, 16%? बाकी का जो है हमारे लंग्स के द्वारा जो है वो उसे स्टोर करके रखा जाता है, ताकि कुछ देर अगर सांस ना भी मिले तो इमरजेंसी सिचुएशन में उसे काम चल सके। समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितनी एटीपी का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार जो है वह सांस को लेता है, 1 मिनट में लिया जाता है। केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो केप्स चक्र में संश्लेषण होता है पाइरूविक अम्ल का। पाइरूविक एसिड का जो है वह संश्लेषण होता है वह केप्स चक्र में होता है। अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वह होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वह अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीकरण अवशिष्ट कौन सा होता है? तो मानव के शरीर में मुख्य मुख्य नाइट्रोजनीकरण अवशिष्ट वह होता है यूरिया। यूरिया जो है वह मानव के शरीर का मुख्य नाइट्रोजनीकरण अवशिष्ट होता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्तनधारियों में, स्तनधारी मनुष्य में यूरिया बनते हैं कहाँ? तो यूरिया बनाने का कार्य जो है वह होता है लीवर का। लीवर का कार्य जो है वह यूरिया बनाने का कार्य होता है, न कि किडनी का, या आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो यह इंपॉर्टेंट है, तो वह है पीयूष ग्रंथि, जिसको कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह जो है वह मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसको कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में रुधिर छनने का कार्य जो है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है वह वोमेन संपुट के द्वारा। वोमेन संपुट में जो है वह रुधिर का मतलब क्षमता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो है वह यूरोक्रोम के द्वारा जो है वह मौजूदगी के कारण होता है। तो देखते हैं अब अपने बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन को।
गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट इनमें से क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट जो है वह है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है वह डायलिसिस के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है, जिसमें कि किडनी का कार्य जो होता है वह डायलिसिस के प्रोसेस से कंप्लीट किया जाता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मानव के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है वह मूत्र में पाई जाती है। मूत्र में सबसे अधिक यूरिया पाया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि यह क्रिया जो है वह किडनी के वर्क को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, जो कि एक कृत्रिम प्रक्रिया है, अर्थात वृक्क। वृक्क को ही हिंदी में वृक्क जो है वह हिंदी है किडनी का, किडनी जो है वह इसका इंग्लिश रूप है। अब देखते हैं नेक्स्ट। स्वेदन जिसे कि रेस्पिरेशन कहते हैं, निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो रेस्पिरेशन जो है वह हमारे महत्वपूर्ण है शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए, शरीर के तापमान को विनियंत्रित नियंत्रित नियंत्रित करने के लिए, अर्थात शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यह जो है वह इम्पॉर्टेंट है। मानव वृक्कस्मरी में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक यौगिक क्या है? तो यह जो रासायनिक है वह है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वह मानव के किडनी में पाया जाता है अस्मरी के रूप में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हेनले का लूप, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है किससे? तो हेनले के लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। उत्सर्जन तंत्र से जो है वह संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर सकते हैं। इससे पहले की दो वीडियो देखने के लिए आप नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमारा इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वह होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम पे आधारित है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।